हेलो एंड वेलकम बैक टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए यहां पर जो कंपनी लेकर आया हूं ना, ये आपको घर बैठे देगी एक बड़ा लोन। जी हाँ गाइस, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तब भी आपको लोन के लिए ऑफर मिल सकता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है तब भी आपको लोन के लिए ऑफर मिल सकता है। कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को 3 महीने में इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 3 महीने में आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप वो करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं घर बैठे लोन, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास रख लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले गाइस। तो गाइस आपको यहां पर अगर लेना है लोन, डाउनलोड करनी है वन स्कोर ऐप जो आपको दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन पर, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी जो आपका फ्री में क्रेडिट स्कोर बताती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। फ्री में क्रेडिट स्कोर आपको यहां पर चेक करना, कैसे चेक करना मैं आपको बता दूंगा, सिविल के साथ में और जो है एक्सपीरियन के साथ में टाई अप है वन स्कोर का। आपका यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर बताया जाएगा वो सिविल और एक्सपीरियन कंपनी के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर आपका बताया जाएगा बिल्कुल रियल बताया जाएगा। गाइज आपको यहाँ पर मिलता है पर्सनल लोन। जी हाँ गाइज, आप देख सकते हो 1PL नाम से यहाँ पर इन्होंने कुछ दिन पहले अपना पर्सनल लोन लॉन्च किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तरीके से आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिलेगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे गाइज आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिल देगा। और आप ना यहाँ पर अपने जितने भी अकाउंट है, जो आपने लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, वो सब यहीं पर आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लो। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, आपके मोबाइल नंबर से एक ओटीपी डालनी है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है, जो कि आपको दिखा दे रहा है सबसे ऊपर। मेरा जो क्रेडिट स्कोर है गाइज वो आपके सामने है, देख लीजिए स्क्रीन पर। सिविल के अंदर मेरी क्रेडिट स्कोर है 771, जो कि गुड है, और एक्सपीरियन में मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो 778 है, यहाँ पर ही मेरा क्रेडिट स्कोर गुड है। कैसे आप केवल 3 महीने में अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हैं, पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आपने यहाँ पर ये जो लोन है अप्लाई करना है। जी हाँ गाइज, वन स्कोर के अंदर आपको पर्सनल लोन का भी ऑफर मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये सभी को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये इनके कुछ ऐसे कस्टमर है जिनका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है, उनको लोन के लिए ऑफर कर सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा खराब है तब भी आपको लोन के लिए ऑफर कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ऑफर कर सकता है, एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ऑफर कर सकता है, ताकि आप अपने क्रेडिट स्कोर को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सनल लोन है, ये कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को केवल 3 महीने में बढ़ा सकते हैं, पहले आपको वो बताता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इंप्रूव स्कोर पे आपको क्लिक करना। अब देखो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको दिखाई दे रहा है 776 है, देख लीजिए स्क्रीन पर, मेरा क्रेडिट स्कोर है 776। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कितना बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए हम अपने क्रेडिट स्कोर को 816 करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को बढ़ाकर यहाँ पर ले जाएंगे। हम अपने क्रेडिट स्कोर को 816 करना चाहते हैं। ठीक है, 816 क्रेडिट स्कोर करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, वो अब हमें पता चलेगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कितने महीने में आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो आप ना कम से कम 3 महीने करें, क्योंकि 3 महीने तो आपके क्रेडिट स्कोर सुधरने में लगते ही लगते हैं। अगर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँ तो आप देखिए, अब हमें यहाँ पर इन्होंने कुछ सजेशन दिया है। ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने क्रेडिट स्कोर को 3 महीने में बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो आपने पिछले 6 महीने से अकाउंट यूज नहीं किए हैं उनको क्लोज कर दो। ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, समझना जरूरी है आपके लिए। आपने पिछले 6 महीने से जो भी अकाउंट यूज नहीं किया उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो जाकर। ठीक है, इसके अलावा गाइज आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए है, और आप अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को यूज करते हैं, तो ये बोलते हैं कि अगले 3 महीने आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को केवल 25% यूज करें, यानी केवल 25,000 रुपए तक ही यूज करें। ये देख लो यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने कि अगले 3 महीने तक आपको केवल अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 25% ही यूज करना है, हो सके तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप अगले 3 महीने में यह काम करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर 100% 816 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मेरा क्रेडिट स्कोर 816 हो जाएगा, आपका कितना हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ पर करना है। अगर मैं रिकैलकुलेट पर करूँ और मैं चाहूँ कि भाई 816 में केवल 1 महीने में बढ़ाना चाहता हूँ, देखते हैं हमें क्या बोलता है। अगर हम 1 महीने में करें तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये वही बोल रहे हैं कि 1 महीने में बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जो है भाई कर सकते हैं अर्ची 6 महीने आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने से जो जो यूज़ नहीं कर रहे वही बिल्कुल सेम वही बताया जो अभी पीछे बताया था। ठीक है, वही करना है मुझे यहाँ पर। तो इस तरीके से अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर EMI जरूर यहाँ पर कर ले आपके लिए एक बार, इससे आपको ये पता चल जाए कितना लोन लेने पर आपका यहाँ पर जो
इंटरेस्ट है आपकी जो ईएमआई है वो कितने रुपए की यहाँ पर होने वाली है। तो मैं अगर यहाँ पर करूँ बात 1 लाख रुपए के लोन की, मैं 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, ठीक है, और ये लोन लेना चाहता हूँ मैं 18 महीने के लिए, ठीक है, सॉरी 18 महीने करना है यहाँ पर आपको एक बार ये देख लेना है, 18 महीने, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट मैं कर देता हूँ यहाँ पर 18%, कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया तो देख लो यहाँ पर 1,14,850 रुपये हमारे यहाँ पर टोटल जाने वाले हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, और 6381 रुपये की हमारे यहाँ पर ईएमआई होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ईएमआई जरूर कैलकुलेट करनी है, 1 लाख रुपये का लोन लेने पर 14,850 रुपये हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा जा रही है, और जब आप लोन अप्लाई करते हैं कंपनी के पॉलिसी के अनुसार आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लगती है, ठीक है। तो चलिए लोन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल से काम करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा भाई आप बताइए आपको कितने रुपये की लोन की जरूरत है, 1 लाख रुपये से कम, 1 से 3 लाख के बीच, 3 से 5 के बीच और 5 लाख से ज़्यादा, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाता है 5 लाख रुपये तक का लोन, लेकिन आपको पता है कि स्टार्टिंग में आपको कोई भी कंपनी बड़ा लोन नहीं देगी, तो हम यहाँ पर 1 लाख से 3 लाख कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है सैलरीड है आप सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बता दो, ठीक है, ये बताना है आपको यहाँ पर, इनमें से कोई भी चूज कर लेना जो आप हो, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, ठीक है, 25,000 से कम है, ठीक है, 25 से 75,000 है, 75,000 से 1,25,000 रुपये है, या फिर 1,25,000 रुपये से ऊपर है, तो हम 75 से 1,25,000 कर देते हैं। अब कर दिया यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक। अब जैसे हमने गॉट इट पे क्लिक किया तो अब ये क्या करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पर आप मैनुअली पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकते, अब ये हमें नोटिफाई करेंगे, अब हमें ऑफर देंगे कि अगर आप एलिजिबल होंगे लोन के लिए तो आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिलेगा। जी हाँ, आप यहाँ पर जब अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो ये क्या करेंगे, इनके जो लैंडिंग पार्टनर है उनके पास आपकी नोटिफिकेशन भेज देंगे, जो भी कंपनी लोन देने के लिए आपको तैयार होगी ये आपको ऑफर कर देंगे, भैया आ जाओ आप यहाँ से लोन ले लो, प्री अप्रूव्ड आपके लिए लोन ऑफर है, फिर उसको आप केवल 5 से 10 मिनट के अंदर ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे लोन तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा 1Score एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पहले तो अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लो, क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करना है वो देख लो 3 महीने में 1 महीने में 2 महीने में, और उसके बाद करो लोन के लिए अप्लाई। आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको नोटिफाई करेंगे बाद में अगर आप एलिजिबल होगे लोन के लिए, हो सकता है आपको प्री अप्रूव लोन के लिए ऑफर पहले ही मिल रहा हो, ठीक है, तो आप उस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद गाइस, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक वीडियो साथ ही, बस इतना ही।